दुबे अब मारा जा चुका है। सुबह हुए एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे मार गिराया। विकास को कल मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। इससे बचने का उसने पूरा प्रयास किया था। दूसरे राज्य में गिरफ्तारी का मकसद यही था। प्लान दोनों तरफ से था, पुलिस की तरफ से और विकास की तरफ से। विकास का प्लान बचने का था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त अपने बारे में जोर जोर से चिल्लाकर बताने का विकास का मकसद ही यही था। वह यह बताना चाहता था कि वह गिरफ्तार हो चुका है। इसके पीछे विकास की सोच यही रही होगी कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्यथा उसे यह आशंका रही होगी कि उसकी पहचान छिपाकर मध्य प्रदेश पुलिस उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस उसे मुठभेड़ की कहानी गढ़कर मार डालेगी। वह जानता था कि दूसरे प्रदेश में गिरफ्तारी से उसे क्या फ़ायदा होगा। जब किसी दूसरे प्रदेश के अपराधी किसी दूसरे प्रदेश में गिरफ्तार होता है तो वहाँ की पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, उसकी शिनाख्त की जाती है। उसके बाद वह जिस प्रदेश के जिस थाने का अपराधी होता है उसे सूचना देती है और पुलिस कोर्ट से मांग करती है कि यह उनके थाने में दर्ज मामले का अपराधी है, अतः उसे सौंप दिया जाए। इस पर अदालत उसकी पूरी मेडिकल जांच करवाने का आदेश देती है और फिर उसे संबंधित थाने को सौंप दिया जाता है। इसके बाद उस अपराधी के साथ थर्ड डिग्री करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह ट्रांजिट रिमांड कहलाती है। इससे अपराधी दबाव से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के एनकाउंटर पॉलिसी से बचना संभव नहीं हो पाता। हमेशा से एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं, इस बार भी उठ रहे हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार गाड़ी पंचर नहीं हुई और न ही गाड़ी खराब हुई, इस बार गाड़ी ही पलट गई। सुबह 6 से 6:30 बजे के आसपास कानपुर पहुंचने के पहले जब कानपुर का 10 मिनट का रास्ता रह गया था, तब इस रास्ते की सारी ट्रैफिक क्यों बंद कर दी गई। यहां तक कुछ मीडिया वाले पुलिस के काफिले का पीछा करते हुए कवर कर रहे थे, इन्हें भी रोक दिया गया। इसके अलावा विकास यदि भागना चाहता तो मध्य प्रदेश पुलिस के गिरफ्त से भाग सकता था। जिस वक्त उसे पकड़ा गया था पुलिस हथियारबंद नहीं थी। भारी बारिश के बीच उसे सड़क मार्ग से उज्जैन से 670 किलोमीटर दूर कानपुर लाया जा रहा था। यहाँ पर मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल और हैं जो प्रत्येक एनकाउंटर के बाद उठने वाले सामान्य सवाल हैं। विकास दुबे कुख्यात अपराधी था तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाया गया, उसके पैर क्यों नहीं बांधे गए। उसे 4 गोलियाँ लगी थी, जिसमें से 3 सीने पर और 1 हाथ में लगी। भागते हुए अपराधी की पीठ पर गोली लगती है। यूपी सरकार के प्रवक्ता का बयान काफ़ी भरोसे वाला था। क्या ऐसा होना पहले से तय था? संवैधानिक दायरा मतलब कानून से बचने का दूसरा रास्ता, यानी कानून की धाराओं का ही कानून से बचने के लिए इस्तेमाल। DNX TV रायपुर। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इतनी कठोरतम कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ होगी कि पूरा देश देखेगा। आप जब कल परसों से दोबारा बात करेंगे तो आप इस बात पर निश्चित तौर पर संतोष व्यक्त करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई पिछले इतने सालों में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिली।